तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों का यूट्यूब चैनल में 7 दिनों के अंदर ही 4000 व्हाट्स आवर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारे मोनेटाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो कि हर बंदे के साथ पूरा नहीं हो पाता, हर बंदे से पूरा नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया कि मेरे चैनल पर जो लास्ट 7 दिनों में 1,05,000 जो व्यूज आया है, उसका जो व्हाट्स आवर जो है वो कितना है, 4,100, यानी 4,000 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ 7 दिनों में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा वो स्टेप अगर आपने भी फॉलो किया तो आप लोगों को 4,000 व्हाट्स आवर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से बहुत दिनों से वेट कर रहे हो तब भी आपका जो वॉच ओवर जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को ये स्टेप फॉलो जरूर करना चाहिए, तब आपका 4,000 जो वॉच ओवर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो है जो आप लोगों को जिस चैनल का जो 4,000 वॉच ओवर कंप्लीट कराना चाहते हो उस चैनल में क्या होना चाहिए कि अगर आप लोगों का वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन का है तो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 4,000 वॉच ओवर कंप्लीट करने में। अगर आप लोगों का वीडियो का ड्यूरेशन कम है तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको मैं क्या बोलता हूँ, आपको मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक अपने चैनल में एक ऐसा वीडियो अपलोड करो जो कि बहुत ही ज्यादा आवर का हो, जैसे कि 1 घंटे का वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर सकते हो, जितना ज्यादा ड्यूरेशन का रहेगा उतने जल्दी आपको 4,000 वॉच ओवर कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो उतना आसान होगा। तो आप लोगों को एक बात वही ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन का आपको यूट्यूब अपलोड करना। दूसरा क्या याद रखना है आपको कि आप लोगों को क्या करना है कि आपको वीपीएन ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग वीपीएन ऐप डाउनलोड कर लोगे तो क्या होगा कि आप लोग एक चैनल से एक लोकेशन से अलग लोकेशन पे कनेक्ट हो पाओगे। अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप बांग्लादेश के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाना, जिससे क्या होगा यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता नहीं चलेगा कि आप लोग एक ही मोबाइल से और एक ही जगह से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आप लोगों को क्या इस स्टेप में जो बताऊंगा उसमें क्या होगा, आपका खुद का वीडियो देखा जाएगा। ठीक है, वो स्टेप ऐसा मैं तरीका बताऊंगा, उसको ऐसे देखना है आपको जिससे आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता भी नहीं चलेगा। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना है, थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको बाद में जाकर मोनेटाइजेशन के टाइम पर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी तक किसी को इस तरह की रिलेटेड की प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप लोगों ने वीपीएन को अच्छी तरह से यूज नहीं किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं कि आप लोग कैसे 7 डेज में 4,000 वॉच आवर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको उस स्टेप को फॉलो करना है, वो मैं आगे आपको स्टेप बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बहुत सारे टैब ओपन करना पड़ेगा। तो आप अगर आपने 30 टैब ओपन कर लिए, जैसे कि आपको मैं बता दो 30 टैब ओपन कर लिए। ठीक है, और 30 टैब में अगर आपका वीडियो का ड्यूरेशन जो है 1 आवर का है, ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 1 आवर का वीडियो का ड्यूरेशन रखना ही है एक वीडियो का। ठीक है, जिस वीडियो से आप लोग 4,000 वॉच ओवर कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, तो आप लोग 1 आवर का कर लो। अगर आप लोग 30 आवर का अगर मैं बता दूं तो 30 टैब ओपन करोगे, ठीक है, और वो 1 घंटे का वीडियो रहेगा, तो आप अगर 1 आवर कंप्लीट होगा आपका 30 आवर कंप्लीट होगा। ठीक है, 1 घंटे में अगर आप लोग उसी काम को 5 घंटे करोगे, जैसे कि 30 × 5 कर दूं तो कितना होगा 150, यानी आपका कितना 5 घंटे में कितना वॉच आवर कंप्लीट हो रहा है, 150 आवर। अगर आप लोग 30 की जगह 40 टैब को ओपन करोगे, 40 टैब को ओपन करके आपका वीडियो का ड्यूरेशन जो 1 आवर का है, तो आपका 40 आवर क्या होगा, 1 घंटे में कंप्लीट होगा। ठीक है, इन 1 आवर 1 घंटे में आपका कंप्लीट होगा। और अगर 40 × अगर मैं 5 कर दूं तो कितना होगा, 200 आवर आपका कितना होगा, 5 घंटे में कंप्लीट होगा, 5 घंटे में कंप्लीट होगा। तो एक दिन में इतना हुआ, यानी एक दिन में आप 5 आवर करोगे तो एक दिन में इतना हुआ। अगर आप 7 दिन में करो, 7 दिन में हर दिन 5 घंटे करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 × 7 तो कितना, 1400 आवर, 1400 आवर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका कितने दिन में, 7 डेज में। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 30 टैब ओपन करना है, लेकिन अगर आप लोग 40 टैब ओपन करना चाहते हो तो और भी ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोगों को 50 टैब ओपन करोगे तो और भी वीडियो का हो जाएगा। तो एक दिन में आप एक ही मोबाइल से मत करना, उससे ज़्यादा करना, जिससे आप 7 दिन में और भी ज़्यादा आपका वॉच ओवर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया कि आप लोगों को कैसे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का स्टेप आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, यानी एक मोबाइल रहेगा तो आप लोगों का कुछ इस तरह आपका चैनल का वॉच ओवर इतना कंप्लीट होगा 7 दिन में, अगर आप लोगों ने 30 इतना मैंने जो कैलकुलेशन करके बताया उस तरह का आपने स्टेप फॉलो किया तो। ठीक है, अगर आप लोगों का 2 मोबाइल हुआ तो उससे भी उसका 2 गुना होगा, यानी 1400 आवर का 2 गुना होगा, कितना होगा, 2800 आवर। अगर आप लोगों का 3 मोबाइल हुआ तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा हो जाएगा इसने। ठीक है, और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आगे ही बताया था कि अगर आप लोगों का 1400 आवर तो 7 डेज में कंप्लीट होता है, तो अगर उसी वो तो 1 मोबाइल से हुआ, अगर आप लोग 3 मोबाइल से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1400 × 3, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 4200 आवर सिर्फ 7 डेज में कंप्लीट होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 7 दिन में आप लोगों का क्या होगा, 4000 का वॉच आवर जो है जो आप लोगों को मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो क्या करोगे आप, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप लोगों का सिर्फ एक ही मोबाइल है तो एक ही मोबाइल से क्या होगा कि मैं आप लोगों को वीपीएन बताऊंगा, वीपीएन ऐप डाउनलोड करने के लिए मैं बताऊंगा, वीपीएन एक
ऐप डाउनलोड कर लेना है वीपीएन से, ठीक है। उससे क्या होगा, आप एक आईपी, एक ही मोबाइल से अलग अलग आईपी एड्रेस यूज कर पाओगे, यानी अलग अलग देश का और कंट्री का लोकेशन आप चेंज कर सकोगे, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम का क्या लगेगा कि ये तो अलग अलग देश से यूट्यूब वीडियो देखा जा रहा है, जिससे आप लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पूरा स्टेप बता दिया, अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, वो इस वीडियो में आपका वन पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। जो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका अपने चैनल पर, ठीक है, जिस चैनल का आपको 4000 वॉचर कंप्लीट करना चाहता है उस चैनल पर आ जाना है, और जिस वीडियो का आपका जो 1 आवर ड्यूरेशन है या जितना ज्यादा ड्यूरेशन है उस वीडियो का आपको लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिंक का कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है क्रोम पर, ठीक है, क्रोम पर आ जाना है। क्रोम आ जाने के बाद आपको क्या करना है, व्यू सिंक नाम का एक वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर व्यू सिंक लिख देना है और उसको टाइप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आपको ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पर जाना है, और उसके बाद यहाँ से बहुत यहाँ पर प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेना है, ठीक है, क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ऐड वीडियो पर यहाँ पर क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पर, और उसके बाद क्लिक करने के बाद जिस लिंक को आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको जो यहाँ से आप फिर से करना है, इसी तरह आपको क्या करना है, 40-50 यहाँ पर ओपन कर लेना है, जितना चाहे आप जितना टैब यहाँ पर चाहे आप ओपन कर सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ। आप जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी आपका क्या होगा, व्हाट्सएप जितना जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर मैं आप 40 करना चाहते हो 40 कर सकते हो, 50 करना चाहते हो 50 कर सकते हो, 60 करना चाहते हो 60 कर सकते हो। इसी तरह क्या करना है, आपको करते जाना है, कॉपी करना करते जाना है, कॉपी करके लिंक कॉपी करना है, पेस्ट करना है, लिंक कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। वन बाय वन नहीं करना पड़ेगा आपको, कॉपी एक ही बार करना पड़ेगा आप अपने लिंक वीडियो को लिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते जाना है, पेस्ट करते जाना, सिर्फ पेस्ट करते जाना, ठीक है। इतना अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैंने किस इतना सारा मैंने जो है टैब ओपन किया। अगर आप चाहे तो और भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं और भी कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे क्या होगा और भी अच्छा जल्दी और ज्यादा जल्दी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगभग 12 टैब ओपन कर लिए। अब उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप 3 पर यहाँ पर देख सकते हो, स्टेप 3 पर क्लिक कर देना। स्टेप 3 पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाएगा क्या, एक लिंक आ जाएगा httpviewsync.netwatch, इस तरह आपका लिंक जो है वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है पूरे लिंक को, ठीक है। इस लिंक को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, टैब ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है सर्च इंजन पर, और यहाँ पर उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इसको ऑन कर देना, ठीक है। देखिए इस तरह ये हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो सब चलने लगा। इस साइट को जो आपने अभी ऐड किया उसको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर हर वीडियो वन बाय वन प्ले होने लगेगा, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर एक डिपेंड करेगा जो कि है इंटरनेट पर। आपका इंटरनेट जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतने जल्दी यहाँ पर वीडियो प्ले होगा, और उतना जल्दी आपका वीडियो प्ले होकर खत्म हो जाएगा, और आपका व्हाट्सएप जो है वो काउंट होने लगेगा। तो आप लोगों का इंटरनेट जो है वो लिमिट नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए, यानी आप इंटरनेट पर वाईफाई पर आप ज्यादा रहो, ठीक है, डाटा पर रहोगे तो आप लोगों का ये जो आपका बहुत कॉस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। आप लोगों अगर वाईफाई है तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा से वर्क करेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ से आप समझ गए होंगे। आप क्या करना है, आप ये वीडियो अगर प्ले होने के बाद एंड हो जाए तो आप फिर से ना मत करना, आप वीपीएन लगाकर यूज करके अलग लोकेशन सेट करके तब फिर से वीडियो को प्ले करना। इसी तरह आप दूसरे मोबाइल में भी आप इसी तरह जैसे मैंने स्टेप बताया उसी तरह आपको और दूसरे मोबाइल में भी करना है, और उसी तरह वीपीएन यूज करना है, और फिर से तीसरी बार करना। अगर इसी स्टेप को आपने पूरे 7 दिनों तक फॉलो किया और दूसरे तीसरे मोबाइल पर आप करोगे और वीपीएन यूज करके करोगे तो आप लोगों का 7 दिनों में यह 4000 का व्हाट्सएप जो क्राइटेरिया है वो पूरा होगा। तो मैंने जो स्टेप बताया आपको अच्छी तरह फॉलो करना, नहीं तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरह फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को बाद में मोनेटाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है कि आप लोगों ने एक ही मोबाइल में और एक ही लोकेशन के अंदर आपने बहुत सारा टैब ओपन कर करके वीडियो देखा है, ठीक है, तो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोगों को वीपीएन यूज करके करना है, और अच्छी तरह से मैंने जो बताया वो आपको स्टेप फॉलो करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आस पास में बेल आइकन को प्रेस करके क्लिक